रांची से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवास के शिक्षक मित्र समिति ने एक अच्छी पहल की। क्लास 9वीं की छात्रा दीपिका महावर, जो जन्म से कुछ सुन नहीं पाती थी, माता पिता की अज्ञानता और गरीबी के कारण इलाज ठीक से नहीं हो पाया। दीपिका को सरकार की ओर से लगने वाले मेडिकल कैंप में भी भेजा गया, लेकिन दीपिका की समस्या का निदान नहीं हो पाया। वहीं विद्यालय में कार्यरत सीनियर टीचर नितेश मंडोवरा ने माता पिता की काउंसलिंग ऑडियोमेट्री टेस्ट कराया, जहां टेस्ट रिपोर्ट से पता चल गया कि बालिका का बायां कान काम नहीं करता, लेकिन दाएं कान में 40% शक्ति बची है। जिसके बाद शिक्षक मित्र समिति ने दीपिका की आर्थिक मदद करते हुए हियरिंग एड लगवाया। इसके बाद अब दीपिका सुन पाएगी और अपने रोजमर्रा का जीवन सुगमता से जी पाएगी। 17 साल बाद कानों से अब दीपिका सुन पाएगी। शिक्षक मित्र समिति ने आर्थिक मदद करते हुए इस छात्रा की मदद की है। दीपिका का एक कान पूरी तरह से खराब था, जिसके बाद और खबर बूंदी से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवास के शिक्षक मित्र समिति ने एक अच्छी पहल की। क्लास 9वीं की छात्रा दीपिका महावर, जो जन्म से कुछ सुन नहीं पाती थी, माता पिता की अज्ञानता और गरीबी के कारण इलाज ठीक से नहीं हो पाया। दीपिका को सरकार की ओर से लगने वाले मेडिकल कैंप में भेजा गया, लेकिन दीपिका की समस्या का निदान नहीं हो पाया। वहीं विद्यालय में कार्यरत सीनियर टीचर नितेश मंडोवरा ने माता पिता की काउंसलिंग ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया, और जहां टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि बालिका का बायां कान काम नहीं करता, लेकिन दाएं कान में 40% शक्ति बची है। जिसके बाद शिक्षक मित्र समिति ने दीपिका की आर्थिक मदद करते हुए हियरिंग एड लगवाया। इसके बाद अब दीपिका सुन पाएगी और अपने रोजमर्रा का जीवन सुगमता से जी पाएगी।